राय साहब लीजिए चाय। अरे वाह, लीजिए चाय पीजिए और बताइए कैसी। हाँ आ गई आपकी चाय आ गई। थैंक यू, क्या बात है, बताइए। आप भी बैठिए जी। वाह मजा आ गया, इतनी जोरदार चाय, स्फूर्ति ला दी। अरे वाह, फिर कुछ इनाम विनाम हो जाए आज। हाँ चाय बनी है इतनी बढ़िया, तो इसका इनाम तो मिलना चाहिए। लेकिन आप जानती हैं, इनाम में मृत्युदंड भी कभी कभी मिलता है। अरे हाँ, मृत्युदंड पर एक कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी ने पुरस्कार नाम की एक कहानी लिखी है, वो पुरस्कार उसमें मृत्युदंड है, मौत की सजा पुरस्कार है। फिर तो सुनाइए कहानी। सुनेंगे आप? बिल्कुल, चलिए चाय के साथ कहानी। बिल्कुल, मैं भी चाय पी रही हूँ। आपका भी नमस्कार, और मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय आपसे मुखातिब हूँ झरोखा स्टोरीज में, और हम आपको सुनाने जा रहे हैं जाने माने लेखक जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार। तो सुनिए, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में हर साल एक उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव होता था वर्षा ऋतु के समय। किसानों के द्वारा अपने खेतों में खेती का काम शुरू करने से पहले राजा किसी एक भूमि पर हल चला करके खेती की शुरुआत किया करते थे, और खेती की शुरुआत जिस खेत से की जाती थी वह खेत राज्य का हो जाता था। इस बार मधुलिका नाम की एक अनाथ युवती की भूमि को इस उत्सव के लिए चुना गया है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए श्रावस्ती के बहुत सारे नर नारी वहां इकट्ठा हुए हैं। चारों तरफ सजावट हुई है और बाहर के राजकुमारों को भी उसके लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें मगध का राजकुमार अरुण भी हिस्सा लेने के लिए आया हुआ है। वह अपने रथ पर बैठ करके और इस पूरे कार्यक्रम को देख रहा था। कौशल के महाराज ने हल की मूठ थामी और हल आगे बढ़ा। मधुलिका उस खेत की स्वामिनी थी, इसलिए अपने हाथ में बीजों का थाल लेकर साथ साथ चल रही थी। महाराज हाथ बढ़ाते, मधुलिका थाल आगे कर देती, वे उससे बीज उठाते और भूमि पर बिखराते हुए आगे बढ़ते जाते, और थोड़ी ही देर में बीजारोपण का यह कार्य संपन्न हो गया। अब उत्सव की नियमानुसार उस थाल में स्वर्ण मुद्राएं महाराज के द्वारा रख दी गई। मधुलिका ने उन स्वर्ण मुद्राओं को देखा और उसे उठा करके महाराज के सिर के सामने न्योछावर करके और भूमि पर बिखरा दिया। यह देखकर महाराज की भौहें तन गई। सेनापति का चेहरा वक्र हो गया, जो देखने स्त्री पुरुष आए हुए थे वे अवाक हो गए, और उधर रथ में बैठा हुआ राजकुमार अरुण भी एक कृषक बालिका के द्वारा ऐसे दुस्साहस को देख करके उसके मन में कौतूहल हुआ। सेनापति ने कहा कि अरे मूर्ख बालिके, यह तू क्या कर रही है? मधुलिका ने उत्तर दिया, देव मैं किसी तरह भी राज्य के किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रही हूं, लेकिन ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, मैं इसे बेच नहीं सकती, इसको बेचना अपराध है, इसलिए ये भूमि राज्य की हुई परंतु मैं इसका मूल्य नहीं ले सकती, इसलिए मैंने महाराज पर इसको न्योछावर कर दिया। ऐसी निर्भीक बातें सुनकर के महाराज ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने इशारा समझा और बताया कि महाराज ये बालिका मधुलिका है और ये जो है सिंहमित्र की कन्या है, वही सिंहमित्र जिसने मगध के खिलाफ वाराणसी के युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था और वीर गति प्राप्त की थी। महाराज संतुष्ट हुए, उत्सव संपन्न हुआ, वे विश्राम करने अपने महल की ओर चले गए और कार्यक्रम का
विसर्जन हो गया। मधुलिका का सब कुछ जा चुका था, उसके पास इस भूमि के अलावा और कुछ नहीं था। वह निराश, दुखी और कल से वह अपनी आजीविका के लिए क्या करेगी, ये सोचते हुए वहां से दूर चली गई और एक पेड़ के नीचे अपनी उदासी के साथ बैठ गई। राजकुमार अरुण जब रात को विश्राम करने के लिए श्रावस्ती के कक्ष में लेटा हुआ था तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह लगातार उसे वह दृश्य दिखाई दे रहा था जिसमें मधुलिका का अनुपम पावन सौंदर्य झलक रहा था और वह निर्भीकता से महाराज के साथ संवाद कर रही थी। अभी भोर पूरी तरह हुई भी नहीं थी कि राजकुमार अरुण अपने कक्ष से निकला, अपने अश्व पर सवार हुआ और वह वहां से नगर के मुख्य द्वार को पार करता हुआ बाहर निकल आया। वहां उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे वही लड़की लेटी हुई है। उसका अश्व जाकर वहां खड़ा हुआ। आहट से मधुलिका ने आंखें खोली और हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। मधुलिका से राजकुमार अरुण ने कहा, तुम ही तो कल के उत्सव की मुख्य संचालिका थी। मधुलिका ने विहंस कर कहा, संचालिका? हाँ हाँ, संचालिका ही तो थी। राजकुमार अरुण ने कहा कि तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करने का कष्ट करोगी? मधुलिका ने कहा, मेरा अपमान न करो राजकुमार, तुम एक बड़े राज्य के राजकुमार हो, तुम राजकुमारियों और दूसरी धनाढ्य बालिकाओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करो, इस अनाथ का इस तरह से उसके स्वाभिमान को आहत न करो। मधुलिका उठ खड़ी हुई और राजकुमार अरुण को ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने घोड़े की लगाम अपने हाथों में पकड़ी, इशारा किया और घोड़ा चला गया। अब 2-3 वर्ष का समय बीत चुका है। मधुलिका अपनी आजीविका के लिए दूसरों के खेतों पर श्रम करती है। मजदूरी से प्राप्त जो भी उसे हासिल होता है वह अपनी आजीविका उसी से चलाती है। उसने एक झोपड़ी बना ली है, घास फूस की झोपड़ी में वह रहती है। फिर वैसी ही बरसात आई, फिर वैसा ही मौसम आया, बादलों का गर्जन तर्जन आसमान में शुरू हुआ और उसका छाजन टपकने लगा। वह कहां लेटे, कहां आराम करे, कहां बैठे, कोई जगह ऐसी ना बची जो सूखी हो। तब वह एक कोने में जाकर सिमट कर बैठ गई कि जब ये वर्षा रुके तब उसे कहीं आश्रय मिले। तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास घोड़े के चलने की आहट आकर रुक गई है और किसी ने बाहर से आवाज लगाई है कि क्या मुझे कुछ देर के लिए यहां आश्रय मिल सकता है। मधुलिका ने अंदर से पूछा, कौन? जवाब आया, एक पथिक। मधुलिका ने द्वार खोला तो सामने राजकुमार अरुण को देखकर चौंक गई। अरे राजकुमार, आप? राजकुमार ने भी देखा कि मधुलिका है, उसने कहा, अरे तुम? मधुलिका थोड़ा देर पहले उस पुराने 3 वर्ष पुराने उत्सव को ही स्मरण कर रही थी और उसे राजकुमार अरुण की भी याद आई थी जिसने आकर के अपना प्रेम निवेदन उसके सामने किया था और उसने ठुकरा दिया था। और अब वही इस स्मृति उसके सामने साकार हो जाएगी इसकी उसे उम्मीद नहीं थी, पर अब वो हो गई थी। मधुलिका ने राजकुमार से कहा, आइए प्रवेश कीजिए, कुटिया के अंदर आइए। राजकुमार अंदर आया, बैठा, दोनों में बातचीत सुनी। मधुलिका ने पूछा कि आखिर आपकी यह दशा कैसे हुई? अरुण ने बताया कि मैं विद्रोही हूं और अपने राज्य से निर्वासित कर दिया गया हूं, अब अपने कुछ सैनिकों के साथ मारा मारा फिर रहा हूं, मुझे आश्रय चाहिए। मधुलिका ने कहा कि जब तुम खुद इतनी बुरी दशा में हो तो इतने सारे सैनिकों को रखने की क्या आवश्यकता है? हम लोग कहीं मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे और अपनी आजीविका कमा लेंगे। अरुण ने कहा कि मधुलिका, मैं राजकुमार हूं, मुझे अपने बाहुबलों पर भरोसा है,
मैं तो एक नया राज्य स्थापित करूंगा और तुम्हें उसकी राजरानी बनाऊंगा। मधुलिका मुस्कुराती। उसने इस प्रस्ताव पर इस बार कोई अपनी ओर से एतराज नहीं जताया। दोनों के बीच में जो परिचय बढ़ा, प्रेम में परिवर्तित हुआ और मिलजुल करके काम करने की बात आगे बढ़ी। राजकुमार अरुण ने उसे कुछ सलाह दी, समझाया और उसी के फलस्वरूप मधुलिका एक दिन महाराज के दरबार में जा खड़ी हुई। महाराज ने उसे देखा और कहा, तुमको मैंने कहीं देखा है? मधुलिका ने कहा, महाराज कुछ वर्ष पहले मेरी ही भूमि पर राज्य का वह उत्सव मनाया गया था। सेनापति ने बताया है कि यह जो है वह उसी सिंहरण की पुत्री मधुलिका है। महाराज ने कहा कि अच्छा तो बताओ, क्या तुम अपनी भूमि का मूल्य लेने आई हो? उस दिन तो तुमने नहीं लिया था। मधुलिका ने कहा, नहीं महाराज, मैं मूल्य लेने नहीं आई हूं, लेकिन मैं कोई दूसरा निवेदन करने आई हूं। बोलो क्या चाहती हो? मधुलिका ने कहा कि दुर्ग के दक्षिणी नाले के पास जो उबड़ खाबड़ जंगली भूमि है, मुझे मेरी उतनी भूमि के बराबर भूमि वहां दे दी जाए जो राज्य ने ले ली थी, ताकि मैं वहां पर श्रम करूं। मुझे एक सहायक मिल गया है, मैं खेती करना चाहती हूं। महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि दुर्ग के पास दक्षिणी नाले की जो भूमि है वो सामरिक दृष्टि से किसी को देना उचित नहीं है। मधुलिका ने कहा, तो महाराज मैं निराश लौट जाऊं? महाराज ने कहा, नहीं रुको, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जाओ, मैंने वह भूमि तुम्हें दी और आज्ञा पत्र तुम्हें कल मिल जाएगा। मधुलिका लौट आई, वह भूमि मधुलिका को मिल गई। राजकुमार ने उस भूमि का उपयोग अपने लिए सैनिकों को बढ़ाने, उनकी सैन्य अभ्यास करने, कवायद कराने के उद्देश्य से उसका प्रयोग किया। और एक दिन आकर के अरुण ने मधुलिका से कहा, मधुलिका आज मैं तीसरे पहर दुर्ग पर आक्रमण करूंगा और तुम्हें इस श्रावस्ती की सिंहासन पर सुबह राजरानी बनाकर बैठाऊंगा। ये कहकर राजकुमार अरुण चला गया। मधुलिका के मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे विचार, बहुत सारे असमंजस डोलने लगे, घूमने लगे। राजरानी बनने का अवसर भी आ रहा था, सूर्य की पहली किरण के साथ उसका भाग्य बदलने वाला था। राजकुमार उसके लिए इतना बड़ा श्रम करने वाला था, इतना बड़ा जो है बाहुबल का प्रताप दिखाने वाला था। फिर उसके मन में एक और विचार आया कि मेरे पिता ने इस अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वाराणसी के युद्ध में अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। आज उसकी बेटी उसी मगध के एक राजकुमार के साथ मिलकर क्या अपने राष्ट्र के साथ इस तरह का वह प्रतिघात करेगी? सोच रही है, विचार रही है और फिर वो विक्षिप्त सी होकर के, पागल सी होकर के दरवाजा खोलकर अपनी झोपड़ी का निकल पड़ी। आधी रात का समय चली जा रही है, व्याकुल पैरों में लड़खड़ाहट। रास्ते में उसे सैनिक मिले, सेनापति गश्त पर निकले हुए थे। उन्होंने आवाज दी, ए लड़की कौन है तू, ठहर। मधुलिका ने कहा, मुझे बंदी बना लो, मुझे बंदी बनाकर राजा के पास ले चलो, मुझे कुछ बताना है, मुझे उन्हें कुछ जानकारी देनी है, सूचना देनी है। सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, पगली है। उसने कहा, नहीं मुझे बंदी बना लो, मैं सत्य कह रही हूं, दुर्ग पर आक्रमण होने वाला है, मुझे राजा के पास ले चलो। तब सेनापति ने अपने एक अश्वारोही के साथ उसे बांध दिया और उनके साथ 100 सैनिक थे, 80 सैनिकों से कहा कि वह दुर्ग के दक्षिणी नाले की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ें। खुद सेनापति अपने 20 घुड़सवारों के साथ दुर्ग रक्षक के पास पहुंचे और पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक हैं? उसने बताया,
200 हैं। सेनापति ने कहा उन्हें तैयार रहने को कहो, हमें तुरंत कहीं आक्रमण करना होगा। और सेनापति उसे लेकर महल में आए, महाराज के सामने मधुलिका को उपस्थित किया। मधुलिका ने बताया कि महाराज रक्षा कीजिए राष्ट्र की, इस बार फिर से एक खतरा मंडरा रहा है, रात्रि के तीसरे पहर में दुर्ग पर आक्रमण होने वाला है। राजा ने कहा कि आक्रमण होने वाला है? तुरंत सेनापति को उन्होंने आज्ञा दी कि मुकाबला किया जाए, मैं भी तैयार होकर के पहुंच रहा हूं। और मधुलिका से कहा कि तुमने फिर से एक बार कौशल की रक्षा करने का जो है वो काम किया है। दृश्य बदलता है, प्रातःकाल हो चुका है, अरुण बंदी बना लिया गया है और उसे मृत्युदंड दिया जाना है, क्योंकि उसने कौशल के खिलाफ विद्रोह किया है। और श्रावस्ती के तमाम नागरिकों के सामने खुले वातावरण में वह रस्सियों से बांध करके रखा गया है। राजा मधुलिका से कहते हैं, मधुलिका तुम्हारे पिता ने जिस तरह कौशल की रक्षा में अपना योगदान किया था, उसी तरह तुमने भी किया है, बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार दिया जाए। मधुलिका ने एक क्षण राजकुमार की ओर देखा, फिर राजा की तरफ मुंह करके और उसने सिर झुकाकर कहा, तो मुझे भी मृत्युदंड मिले, और जाकर अरुण के बाजू में खड़ी हो गई। तो ये थी पुरस्कार। कहानी तो बहुत मार्मिक थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, पर एक संशय है कि मधुलिका ने पुरस्कार में मृत्युदंड क्यों मांगा? आपका संशय सही है। असल में ये कहानी इसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने रची है। देखिए, मधुलिका के सामने दो प्रकार के कर्तव्य थे, एक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और उसके प्रति कर्तव्य, दूसरा उसने अरुण के साथ हार्दिक प्रेम किया था, और जब हार्दिक प्रेम किया था तो उसके प्रति भी उसका एक कर्तव्य था। दोनों जगह वह पूरी सत्य निष्ठा से प्रेम करती है, लेकिन जब प्रेम और राष्ट्र में से किसी एक को चुनने का उसके सामने प्रश्न आया तो उसने राष्ट्र को चुना और राजा को जाकर के इस बात की सूचना दी कि ये राष्ट्र किसी अज्ञात दस्युओं के द्वारा पद्दलित किया जाने वाला है। और जब उससे राजा ने पूछा कि अब तुम पुरस्कार में जो चाहती हो मांग लो, तो उसने एक बार अरुण की ओर देखा, क्योंकि वह उसका सत्य प्रेम था, उसने दिखावे का प्रेम नहीं किया जैसा कि अरुण ने उससे दिखावे का प्रेम किया था, वह तो उसका केवल इस्तेमाल करना चाहता था। और तब उसे लगा कि जब मेरा प्रेम ही नहीं होगा दुनिया में तो मैं ऐसे जीवन का क्या करूंगी, तब मेरे लिए तो यही पुरस्कार के समान होगा कि मैं भी अपने प्रेमी के साथ ही इस संसार से विदा कह जाऊं। इसलिए उसने कहा कि तो मुझे भी मृत्युदंड मिले, और जाकर अरुण के बाजू में खड़ी हो।